أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم everyone. सबसे पहले एक बड़ी अच्छी बात बताऊं कि एक दफ़ा मैं लेक्चर पे गई और मैंने ना लेक्चर शुरू कर दिया और أعوذ بالله من الشيطان الرجيم और बिस्मिल्लाह मैंने नहीं पढ़ी तो मुझे मेरे जहन से निकल गया बिकॉज वो बड़ा क्विक सा लेक्चर था लाहौर से बाहर भी था तो मैंने लेक्चर देना शुरू किया जब तो मैंने ये एहसास किया कि एक वर्ड करती हूँ तो जनाब खांसी आती है फिर एक जुमला बोलती हूँ तो फिर खांसी शुरू आती है आई मीन आई वॉज वेरी मच एस्टॉनिश्ड कि ऐसा कभी हुआ नहीं अल्लाह पाक तो हमेशा बड़ी मेहरबानी फरमाते हैं और मुझे बोलने की तौफीक अता फरमाते हैं अपनी जनाब से आज क्या हुआ सोचते सोचते कोई 7 मिनट का अरसा गुजरा एकदम मैंने लेक्चर को रोका और मैंने कहा ओह आई एम सो सॉरी मुझे खांसी आ रही है और सबको मैंने बताया कि आपको पता है मुझे खांसी क्यों आ रही है इसलिए आ रही है कि आज मैंने ना ताउस पढ़ा और ना तस्मिया उन्हीं के नाम से शुरू और उन्हीं के नाम से ख़त्म तो उन्होंने कहा होगा चलो भाई अब तुम ज़रा लेक्चर देने लगी हो अपने आप को बड़ा कुछ समझ रही हो तो तुम्हारी खांसी तुम्हें बोलने नहीं देगी इसलिए मैं अपना हर जगह पे हर चीज़ को शुरू करने से पहले तस्मिया और ताउज़ ज़रूर पढ़ती हूँ कि अल्लाह पाक अपनी बरकतें नाजिल फरमाएँ और मेरे अल्फाज में इतनी जिसे कहते हैं ना जान लेकर आएँ कि वो जो भी सुने उसके दिल पर असर हो आज हम बात करेंगे अखलाकियात पर बड़ा अच्छा सा टॉपिक है जिसके बीच में ये अखलाकियात बहुत ही बड़ा टॉपिक है हम इसमें एथिक्स मैनरिज्म्स ज़िंदगी गुजारने के तरीके दूसरों से मिलना जुलना बाहर कैसे मिलना है अपने रिश्तों को कैसे संभालना है ये पूरी आप ये समझ लीजिए एक इंसाइक्लोपीडिया है जिसका नाम है अखलाकियात आज फर्स्ट चैप्टर है इसका जिसमें हम ये बात करेंगे कि क्यों ज़रूरी है मैंने ये देखा क्योंकि आपको पता ही है कि मैं वर्कशॉप्स लेती हूँ और अल्लाह पाक की मेहरबानी से ट्रेनर हूँ आजकल मैंने अपने नाम के आगे लगाया है मास्टर ट्रेनर मैंने कहा एनजीते एनजी सही अब सादिया वाइन से आगे लगता है मास्टर ट्रेनर तो ज़रा ऐसी शेखी है ये होता तो इंसान वही है जो उसकी औकात होती है तो जैसे सब आप जानते हैं कि मैं मुख्तलिफ जगहों पर लेक्चर्स देती हूँ वर्कशॉप्स लेती हूँ ट्रेनिंग देती हूँ हर चीज़ पॉजिटिव ही करती हूँ उसमें कोई भी चीज़ नेगेटिव नहीं होती सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव क्योंकि मेरे ख्याल के मुताबिक जो लोग बाहिम्मत और बावकार ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं वो कभी सरेंडर नहीं करते वो कभी होपलेस नहीं होते यानी कि ना उम्मीद नहीं होते मायूस नहीं होते और वो हमेशा पॉजिटिव रहते हैं शदीद अंधेरे में भी उनको यकीन मोहकम होता है कि अभी देखना कैसे लाइट आएगी खुद ब खुद आ जाएगी कहीं से कोई रोशनी आएगी और अंधेरा ख़त्म हो जाएगा ऐसे पॉजिटिव लोगों में अखलाकियात का होना बहुत ज़रूरी होता है बल्कि ये मौजूद होती हैं आप सबसे ये कहना था आप जो भी मुझे देख रहे हैं जाहिर है उसमें कोई बेबी तो होगा नहीं नर्सरी वाला पॉसिबल है मेरे स्कूल का कोई नर्सरी का बच्चा देख रहा हो लेकिन अमूमन ऑडियंस जो होती है वो ग्रोन अप और मैच्योर होती है अब मैच्योर लोगों से मेरी ये गुजारिश थी कि आप लोग अपने अंदर कुछ ऐसा असबाब पैदा करें मुसब्बबुल असबाब तो सिर्फ अल्लाह पाक हैं लेकिन आप अपने अंदर कुछ ऐसी चीज़ पैदा करें असबाब पैदा करें सबब बन जाएं ऐसा जो दूसरों के लिए बेहतर मुस्तकबिल की तरफ उनको लेकर चल सके आप सबको ये बता सकें कि सही क्या है दुरुस्त क्या है और गलत क्या है हमारे बीच में बहुत ज़्यादा कमी है अखलाकियात की थोड़ी थोड़ी देरी में छोटी छोटी बातों पर गुस्सा करना सर को ऐसे झटका देना करना कि ये करना ये हमारे बड़े प्यारे प्यारे जेस्चर्स हैं माशाल्लाह जो हम सब करते हैं क्योंकि हमें दूसरा बहुत जल्दी बुरा लगता है ख़ास तौर पे अगर वो बात कर रहा है जो हमारे कान सुनना नहीं चाहते तो मैं ये चाहती हूँ कि हम एक ऐसी फ़ौज तैयार करें ISPR अगर सुन रही है तो मुझे लेक्चर्स के लिए बुलाएं आपके लोगों को भी मेरी ज़रूरत है अच्छा जी बुलाइएगा ज़रूर और आर्मी वालों और पुलिस वालों आप भी बुलाओ आपको भी मेरी ज़रूरत है और मुझे भी आप सबके साथ मिल बैठ के अच्छी बातें करने का मौका मिलेगा इनवाइट मी एज अ ट्रेनर एंड सी द डिफरेंस इंशाल्लाह ओके जी तो हम जब मिलके एक फ़ौज तैयार करेंगे जिसमें हम अखलाकियात को आगे लेके चलेंगे तो हमारे बच्चे ना तो डिप्रेस्ड रहेंगे ना उनको स्ट्रेस आएगा ना वो छत पे चढ़ के किसी पंखे से लटकेंगे ना वो खुदकशियाँ करेंगे ना वो सिर्फ ग्रेड की खातिर कि ओह मेरे मार्क्स बहुत कम आए हैं मैं दुनिया छोड़ के जा रहा हूँ वो चले जाएंगे लेकिन अगर हमने उनको अखलाकियात की तरबियत दे दी और उनके दिल को मुनव्वर कर दिया तो भला कैसे उनको ये छोटी छोटी बातें परेशान करेंगी तो याद रखिए अखलाकियात सबसे इम्पॉर्टेंट है ये हमें अशरफुल मखलूकात होने का दर्जा देती है अखलाकियात अच्छा जी अब एक और बात आप तक पहुँचानी थी दोस्तों ते सजनों ते मित्रों ते संगियों वो ये है
कि जैसा आप जानते हैं आई एम अ ट्रेनर वाकई में, और मोटिवेशनल स्पीकर भी हूँ, और हर एक से बात करके अल्लाह पाक की मेहरबानी से उनके मसाइल सुनती हूँ। मैं समझती हूँ कि मैं एक लिसनर हूँ सबसे पहले, क्योंकि मैं सुनूंगी तभी मैं बोलूंगी, तो सुनना मेरा सबसे प्यारा आदत है। बहुत जल्द मैं वर्कशॉप्स अब एक और नज़रिए से शुरू करने लगी हूँ, यह आप सबके लिए है। सुनिए ज़रा गौर से, बात करना फिर किसी और से। तो बात यह है कि वर्कशॉप्स हम लेना शुरू करने लगे हैं, जिसके बीच में आप सबको बुलाया जाएगा, बल्कि मैं इनवाइट कर रही हूँ कि आप मुझसे बात कीजिए, हम इकट्ठे होकर वर्कशॉप शुरू करेंगे। मैं आपको बहुत जल्द वेन्यू बताऊंगी और टाइम्स बताऊंगी। मुझे ये पता है कि रमज़ान आने वाले हैं, और रमज़ान में तो हम वैसे ही बड़े चिड़चिड़े हो जाते हैं, क्योंकि हमें तो सारा दिन ये ख्याल रहता है कि ओह मैंने अफ्तारी में क्या खाना है, और अल्लाह पाक की मेहरबानी से मुझको तो ये याद भी नहीं रहता कि अफ्तारी बननी है, क्योंकि मैं सिंपल खाने से अपना रोज़ा अफ्तार करती हूँ अल्लाह पाक की मेहरबानी से। तो उस बैठक में, उस स्ट्रक्चर में जो हम, मेरे दिमाग में एक प्लान है, उसके तहत हम तरबियत करेंगे। वैसे तो मेरे स्कूल की टैग लाइन है तालीम और तरबियत साथ साथ, उसी तरीके से ये मेरी ज़िंदगी का मकसद भी है। तो उसमें हम मिलके बैठेंगे, और आपको इंशाल्लाह मेरे से बात करना, मेरे जिस तरह के लेक्चर हैं सुनना अच्छा लगेगा। तो मिलजुल कर जब हम आपको ये सिखाएंगे कि हमने अपने अंदर एक बेहतर तब्दीली कैसे लानी है, ये वो तब्दीली नहीं है, तब्दीली आ रही है और फिर पता लगेगा तब्दीली आई थी और चली भी गई, तो ये वो वाली तब्दीली नहीं है, ये वो तब्दीली है जो अल्लाह पाक की मेहरबानी से जब आती है तो हमारा रूह ऐसी करके खिल जाता है, और हमारा दिल बाग बाग हो जाता है, और हम मस्त मस्त रहना शुरू कर देते हैं, और ज़िंदगी को आगे लेकर एक सॉलिड दिमाग के साथ चलते हैं। इसको कहते हैं अखलाकियात की पावर। अखलाकियात तो एक लफ्ज़ हो गया ना, उसमें हज़ार ब्रांचेस निकलती हैं, मगर मैंने इसका लुबे लबाब अखलाकियात रखा। तो उस ट्रेनिंग सेशन में जो हम बहुत जल्द स्टार्ट करने लगे हैं, उसके बीच में आप सब आइए, माँ बाप ख़ास तौर पर आएँ, वालदैन, ब्रोकन होम्स के लोग जो ज़िंदगी से बहुत तंग आ चुके होते हैं और कहते हैं बस अब तो ज़िंदगी कुछ रही नहीं, मेरी डाइवोर्स हो गई, वो आदमी छोड़ के चला गया, उसने शादी कर ली, लेट हिम गो और लेट हर गो, यू शुड हैव योर ओन लाइफ। तो हम ये सीखेंगे कि हमने अपनी ज़िंदगी, वो जितनी भी मुश्किल में क्यों है, कुछ भी है, हमने हिम्मत नहीं हारनी, और अपनी ज़िंदगी के रास्ते को बेहतर और स्ट्रेंथ वाला, जिसमें चलकर हमारे पाँव जख्मी ना हो, ऐसा कैसे बनाएं। तो ये मिलकर बैठूंगी और आप सबको बताऊंगी ट्रेनिंग सेशन में। आई वुड लाइक, अगर आप में से कोई काउंसलिंग चाहता है, कोचिंग चाहता है, तो आप सब मुझे जानते हैं, मेरा नाम है सादिया वाइन, मेरा नंबर भी आपको पता है, मेरा पेज भी है, आप उसको लाइक कर सकते हैं और फिर मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चाहिए। क्या चाहिए से मुराद है सिर्फ इल्म की दौलत, बस यही सीन है। अब मैंने ये भी नोट किया कि जब हम सीख रहे होते हैं ना, तो वो मंजिल हमारी आसान हो जाती है, और हम कदम पे, हर कदम पे सीखते हैं। कुछ लोग कहते हैं सीख लिया, हाँ सीख लिया, तो मैंने एक दफ़ा टैगलाइन बनाई, आओ कुछ नया सीखने, क्योंकि नया तो हमेशा रहेगा, ये जो वक्त है ये भी पुराना हो जाएगा और नया वक्त आ जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने नया वक्त के ऊपर नए ऐसे क्या काम करने हैं, नई ऐसी इनर स्किल्स जो होती हैं, 21st century स्किल्स की बात नहीं कर रही मैं, बात कर रही हूँ इनर स्किल्स की, इसकी स्किल्स की, हमारे दिल की स्किल्स, हमारी रूह की स्किल्स क्या हैं, जो हमें 21st से 22nd century में लेकर तब भी हमें कामयाब और क्या कहते हैं उसे कामरान रखेंगी। ये वो नहीं है कामरान के साथ, नो, ये कामरान का मतलब है कामयाब होना उसके साथ। तो हम मिलजुल कर एक बेहतर मुस्तकबिल की तरफ गामजन हो सकते हैं, जब हम खुद सीख जाएंगे, जब हमें खुद पता लगेगा कि हमने मोमबत्ती को कैसे जलाना है और शमा कैसे बनना है और माचिस की तीली को कैसे, उसको आग लगानी है, उसी को लगानी है, पूरे घर को नहीं लगानी, तो हम दूसरों को बेहतर मुस्तकबिल की तरफ लेके जा सकते हैं। हम खुद ट्रेन हो जाएंगे, आप भी मैं भी मिलकर ट्रेन होंगे और दूसरों को ट्रेन करेंगे, ख़ास तौर पे अपने आने वाली नस्ल को, अपने बच्चों को, अपने प्यारों को, जो आजकल बिल्कुल एक अजीब सी कंफ्यूज्ड किस्म की लाइफ गुजार रहे हैं, तो हम ऐसा करेंगे। मुझे ज्वाइन कीजिए ताकि हम एक बेहतर मुस्तकबिल दे सकें अपने मुल्क के प्यारे बच्चों को, और मुझे यकीन है कि भला कैसे हो सकता है कि आप मुझे ज्वाइन ना करें। साइनिंग ऑफ, आई एम सादिया वाइन, गुड लक एंड स्टे हैप्पी शैपी हमेशा, अल्लाह हाफिज़।